वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं इम्यूनिटी बूस्टर मैंगो योगर्ट परफेक्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखने में ये बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन बनाने में बहुत आसान है, और इम्यूनिटी बूस्टर है ये क्योंकि इसमें योगर्ट है यानी कि दही है, हनी है और ताज़ा फल है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक कप दही विस्क कर लेंगे। ध्यान रखना है कि इसके लिए दही मीठा वाला ले और बिल्कुल ताज़ा वाला ले, फ्रेश वाला, फ्रिज में निकाला हुआ ना रहे। दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और सारी चीज़ें ही रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। देखिए हमने इसमें 2 टीस्पून पानी जितना मिला दिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून सब्ज़ा सीड्स ऐड कर रही हूँ। ये एक परफेक्ट आइडियल वेट लॉस डिज़र्ट है, वेट लॉस स्नैक है। आप इसे वेट लॉस के लिए खा सकते हैं, डिनर के लिए भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। अब हम इसको भीगने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए सब्ज़ा को। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप पानी में भिगा के दही में ऐड कर लें। एक मैंगो मैंने यहाँ पे पील करके चॉप कर लिया है। मीठा वाला आम लेना है, अगर मीठा नहीं रहेगा ज़्यादा तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड वाला क्योंकि हमें चॉप करना है। अगर आप मैंगो की जगह इसमें आप बनाना या एप्पल भी डाल सकते हैं, कोई और फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, ग्रेप्स भी, लेकिन खट्टे नहीं होना चाहिए फल। अब देखिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी मैंने चॉप कर लिए 1 टेबल स्पून। अब देखिए 1 घंटे के बाद में सब्ज़ा भी फूल गया है अच्छे से। अब हमने जो मैंगो को चॉप करके रखा था वो ऐड कर देंगे। तो जैसे कि मैंने कहा सीज़न में मैंगो है तो मैं मैंगो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप एप्पल, बनाना, ग्रेप फ्रूट, चीकू भी डाल सकते हैं, जो भी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी मिठास के लिए 2 टीस्पून हनी ऐड करेंगे। अभी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे, बाद में 1 टीस्पून गार्निश के लिए ऐड करेंगे। तो दही जो है एंटी बैक्टीरियल होता है, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, इंस्टेंट इम्यूनिटी बूस्टर डिज़र्ट है ये और बहुत ही लो कैलोरी है, आप देख सकते हैं। तो आप वेट लॉस के लिए तो एक्सीलेंट है। इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। अब हम इसको सर्व कर देंगे। देखिए बहुत ही आसान है बनाना और टेस्टी भी है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसको हम सर्व कर देंगे। आप इसे सर्विंग बोल में ऐड कर लीजिए। आप इसे लो डिनर, लाइट डिनर के तौर पे भी ले सकते हैं, लाइट डिज़र्ट के तौर पे भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है ये। इसे हमने थोड़ा सा हनी से सजा दिया और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो तैयार है बनके टेस्टी मैंगो योगर्ट परफेक्ट। अगर आपको मेरी ये टेस्टी हेल्दी इम्यूनिटी बूस्टर की रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए साथ में इसको शेयर कीजिए क्योंकि वक्त की ज़रूरत है ये और वेट लॉस के लिए तो आइडियल है। और बच्चों को भी ज़रूर बना के खिलाएं आप ये, क्योंकि फल बच्चे अक्सर नहीं खाते तो इस तरह से आप खिलाएंगे तो वो ज़रूर खा लेंगे। और हनी जो है वो नेचुरल यूज़ करें तो अच्छा रहेगा।